दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं यहाँ 23 जनवरी को रिलीज होने वाली डोली के टीम के साथ। आइए जानते हैं अरबाज खान से। पहले सबसे पहले चलेगा, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कामयाबी की। इसमें बताइए, इस तरह कॉन्सेप्ट आपके मन में किस तरीके से है? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है अभिषेक का है, इनके ये और इनके राइटर उमा जी हैं, वो मेरे पास लाए थे और मुझे इनका ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा नॉवल लगा इनका आइडिया। और इनके स्क्रिप्ट में बड़े अच्छे कैरेक्टर्स थे और एक बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी बनाई गई थी, मतलब जो बाउंड स्क्रिप्ट थी वो बड़ी अच्छी थी। तो मैं हमेशा अपनी फिल्मों में एक एंटरटेनमेंट, अच्छे कैरेक्टर्स, कमर्शियलिज्म देखता हूँ जिसको एक वाइडर ऑडियंस को लोग देख के पसंद करें। मुझे वो सारी चीजें स्क्रिप्ट नजर आई। फिर हम बैठे हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म बनाते हैं, देन इसको कैसे हम इसको स्क्रिप्ट से बाकी की चीजें कैसे इसमें डाल के इसको और एनहांस करें, मतलब अच्छे एक्टर्स डाल के, अच्छा म्यूजिक डाल के, अच्छा मतलब इसका प्रेजेंटेशन कैसा हम पैकेज करें इसको, तो उन चीजों पर हमने मेहनत करना शुरू की और आज हमारी फिल्म रिलीज पर है और हम बहुत एक्साइटेड भी हैं और खुश भी हैं हमारे प्रोडक्ट से, और हमको काफी उम्मीद भी है और हम कॉन्फिडेंस भी है कि जब दर्शक देखेंगे हमारी फिल्म तो उनको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। आपसे जानना चाहते हैं, सबको ये बताते हैं, नया जो है टेस्ट लेकर आए हम, तो उसमें आपकी कहानी में क्या कितना नया बने? देखिए, ऐसी कहानी अभी तक कहीं आई नहीं है मेरे हिसाब से। ऑडियंस को कुछ फ्रेश देखने को मिलेगा, हमारे कैरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग हैं, कहानी के साथ साथ चार बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, शुभम, राज, वरुण, पुलकित, और ये कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर आप देखेंगे। तो बेसिकली हमने यू हैड लॉट ऑफ फन ऑन दिस साइड, वो सब आपको फिल्म के अंदर ट्रांसफर होता और दिखेगा। सोना माइक मैंने चाहेंगे, अभी पीछे प्रोमो देखा पोस्टर, उसमें साइड में एक लुटेरी दुल्हन का भी लोगों देखा मुझे। हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में बताइए जरा मुझे। जी, ये किरदार लुटेरी है, ये इन सबका दिल भी लूटते हैं और इनके सामान भी लूट के चले जाती है, उनका सामान भी लूट के चले जाती है। आई थिंक दैट्स वाई ये टैग लाइन है ऑफ लुटेरी दुल्हन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही अलग कैरेक्टर है, और इस स्टेज पे करियर में ये कैरेक्टर मिलना मेरे लिए बहुत लकी है, और मैंने बहुत मेहनत की है। होपफुली लोगों को ये दिखाई देगा, बहुत ही स्वीट फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, अच्छी फिल्म है। अपने आपके करियर में समझा कि अब तक का सबसे बेहतरीन रोल हुआ है? जी, हर रोल मैं जो भी रोल अब तक मैंने किया है, रांझना, मौसम, खूबसूरत, और भी फिल्म किए मैंने, दिल्ली से सावरिया, आयशा, हर कोई, मतलब सारे रोल जो मेरे हैं वो मेरे लिए बहुत ही यू नो इम्पोर्टेंट है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्वाइट हैप्पी विद व्हाटएवर आई डन। सब अलग अलग है, तो आई कांट चूज एप्पल या ऑरेंज, दोनों अलग फ्रूट है। तो डोली किसकी होने जा रही है बताइए? ये तो आपको कल पता चलेगा कि डोली किसकी होने जा रही है जब आप फिल्म देखेंगे, पर आई थिंक बहुत ही अच्छी छोटी प्यारी सी एंटरटेनिंग फिल्म बनी है और लोगों को काफी पसंद है। किस तरह का संगीत? बहुत ही बेहतरीन संगीत है, आई थिंक एक पूरा ब्लेंड है, पूरा मिक्सचर है हर तरह के गाने का। एक रोमांटिक गाना है जो मेरे नैना का फेवरेट है, फिर उसके बाद एक बहुत ही क्वर्की सा गाना है बाबा जी का ठुल्लू, और फिर एक एकदम वेडिंग सॉन्ग या फिर एनर्जेटिक जिसे हम फुल गाएंगे फटे तक नचना वो है, फिर उसके बाद पैशन खत्म एक गाना है। तो आई थिंक पूरा ब्लेंड है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिस तरह से कलर पैलेट होता है जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, आई थिंक ये भी इसकी एल्बम भी एक वैसी है जिसमें हर रंग के गाने हैं, हर फ्लेवर के गाने हैं, और एक कंप्लीट एक हिंदी फिल्म एल्बम जैसे होनी चाहिए वैसे एल्बम। अब आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है 100, 200, 500 करोड़ का, कुछ कह रहता है या किस तरीके का, आप उसको सही या गलत मानते हैं? आई गेस फिल्म बड़ी स्टारकास्ट की जो पिक्चर है वो उनसे उम्मीदें बहुत होती हैं, क्योंकि उनके आधा तो बजट जो होता है वो स्टारकास्ट और टेक्नीशियंस में ही चला जाता है।
तो इस वजह से उनका 100 करोड़ कभी कभी 125 करोड़ 150 करोड़ करना मैंडेटरी हो जाता है कि उतना बिजनेस करके तो ही उनकी रिकवरी होती है. बट जरूरी नहीं कि हर फिल्म को 100 करोड़ करना चाहिए 200 करोड़ करना चाहिए. कुछ फिल्मों के लिए 50 करोड़ का धंधा मतलब सुपर डुपर हिट होने का मायने रखता है. जैसे कि हमारी फिल्म, अगर हमारी फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पे 50 करोड़ करती है तो इट इज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म. मतलब हमारे लिए वो 100 करोड़ के बराबर हो जाएगा क्योंकि हमारे लिए इट्स वेरी वेरी जिस बजट में बनी है जिस कंस्ट्रेंट में बनी है और उसकी क्या डिलीवरी होती है तो इट्स वेरी गुड. तो आई डोंट थिंक 100 करोड़ या 200 करोड़ सपोज टू बी अ बैरोमीटर और अगर और हमारी फिल्म जैसी फिल्म अगर किसी वजह से जाके 100 करोड़ करती है तो इट इज लाइक अ स्टुपेंडस हिट क्योंकि वो हो जाता है. बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम आपको टीम सफलता के झंडे पर. तो दर्शकों देखिए 23 जनवरी को जो है रिलीज हो रही है डोली की डोली. और बीसीआर न्यूज के लिए मैजर शास्त्री के साथ आफाक खान समीर नोएडा.